सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप करे हुए। सबसे पहले हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे देश के 29th जनरल मनोज पांडे सर को फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। MM निर्वाणे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद उनकी इतनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए। दोस्तों, एक बड़ी गंभीर मुद्दे की बात कर रहे हैं और ये मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो है भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट का, आर्मर्ड कोर का 84वां स्थापना दिवस 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी। घोड़ों से शुरुआत हुई थी, फिर शवले कार पे आए, उसके बाद आज आप तमाम जो है इंटरनेशनल हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के टैंक्स आज की डेट में आप हमारी भारतीय सेना के आर्मर्ड रेजिमेंट में देख सकते हैं, चाहे वो आपका T-90 हो या फिर अर्जुन टैंक हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी देश में ही वो जो मानसिकता है ना अंग्रेजों वाली, वो अंग्रेज चले गए पर अपनी मानसिकता छोड़ गए वाली बात है। तो क्या आप जानते हैं, अभी भी एक पुराना आर्टिकल यदि आप जाके खंगाले पड़े 2014 का, तो आपको वहां पे कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। और यदि अभी आप लेटेस्ट बात करें तो भी आप जाके देख सकते हैं। बड़ी ही अजीबोगरीब बात है, मैं अंग्रेजी मानसिकता की यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, कि हमारे आर्मर्ड रेजिमेंट में जो एक टैंक चला रहा होता है, आप सोचिए किस स्थिति में, इतनी नॉइज के भीतर, इतनी गर्मी के अंदर, और टैंक जो जिन ट्रेन में चलते हैं वो ज़्यादातर या तो अपनी राजस्थान वाली ट्रेन से या फिर अलग ऐसी ट्रेन से जहाँ पे धूल मिट्टी, जंगलात, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप सोचिए हमारी टैंक्स के अंदर इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी लेने के बाद, जो ऑर्डर्स दिए गए थे, या क्या वो हमारे देश के नेताओं के द्वारा लिया हुआ डिसीजन था, क्योंकि आम ही तो कभी चाहेगी नहीं कि ऐसा हो। तो सोचिए, बिना एसी के, बिना एयर कंडीशनर के टैंक्स लिए गए, वह बोलेंगे कि यार आर्मी को एसी की क्या जरूरत है, वो तो फील्ड में लड़ती है ना, उनको गर्मी में लड़ते। तो हाँ, तुम्हारी सोच ही ऐसी है ना कुछ लोगों की, सारे काम मरने के, दुश्मनों से आमने सामने लड़ने के सारे काम तो भारतीय सेना करती रहेगी, तुम तो बैठे बैठे बस फोन में लेके देखते रहना, कमेंट कर देना, ये तो बहुत ईजी होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन किस परिस्थिति के साथ एक भारतीय जवान, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का, एयरफोर्स का, सबसे ज्यादा मैं सेक्रीफाइस बोलता हूँ यार, देखो जो अपनी जो थल सेना है, हर एक परिस्थिति में, बीहड़ में, जंगल में, कितने कितने समय तक वो पड़ी रहती है। और अब सोचिए उनको बेसिक सुविधाएं, आर्मर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें क्यों एसी नहीं है, ये मानसिकता शायद अंग्रेजों वाली की, यार जवान क्या करेगा, एसी में बैठेगा तो जंग क्या खाक लड़ेगा, तो बहुत ही गंदी मानसिकता है। और कौन नेता लोग ऐसे ऑर्डर्स देते समय जिम्मेदार रहे, उनकी भी जो है जाँच की जाए। और सोचिए टेक्निकल कुछ बातें करते हैं। देखिए, आर्मर्ड व्हीकल जब ड्राइव करते हैं तो सोचिए उसकी इतनी मोटी तो चादर होती है कम से कम, ताकि वो दुश्मन के गोले को भेद ना पाए। अब हवा लेने के लिए उनके पास जानते हो क्या होता है, छोटे छोटे से वेंट्स होते हैं, सोचिए उन्हीं से हवा रही होती है, उसी नेचुरल हवा को बेचारा लेके सांस भी ले रहा होता है, अंदर ग्रीस इतनी भरी होती है, पूरा ग्रीस में काला पीला हो जाता है। उसके बाद उसमें एमिनेशन ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है वो खट 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 चलता है, इतनी गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, एक तो बाहर की गर्मी, इतनी मोटी लोहे की चादर की हीट कंडक्शन, ऊपर से मैकेनिज्म जो अंदर चल रहा होता है, इतना हीट भरा होता है, उस बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। और आर्मर्ड के हमारे जवान ऑफिसर्स जो भी हैं रेजिमेंट वाले, वो बेचारे गर्मी में भयावर तपती हुई तपन में भट्टी के अंदर बैठे होकर अपना टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं, अपने काम को बिना चू बोले, उनको कभी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तो बेचारे को जो जैसा देता है वो वैसे ही कर लेते हैं। सेना इसी का नाम है कि जो परिस्थितियां हो, जो संसाधन हो, उसी पे काम चला के अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन क्या हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी पुरानी सरकारों की, या अभी मोदी जी आप आ गए हैं, आपसे भी काफ़ी सारे उम्मीदें हैं, रक्षा मंत्री साहब, और अभी एट प्रेजेंट हमारे आदरणीय जनरल साहब, इस छोटे से विषय पर आप प्लीज़ चिंता कीजिएगा। और आर्मर्ड रेजिमेंट में एटलीस्ट टैंक में आप ये एसी का प्रबंध कराएं, क्योंकि उनको कंफर्ट लग्जरी से मतलब नहीं है, उनका हमारा उद्देश्य है कि जब एक एसी चल रहा होगा तो एफिशिएंसी दुगनी बढ़ जाएगी, उनका कंसंट्रेशन लेवल दुगना बढ़ जाएगा बजाय पसीने में नहाने के। और मैं देश के नेताओं को बोलना चाहता हूँ, क्या आप राजपथ पे निकालते हैं ना टैंक चलते हैं 26 जनवरी के दिन, क्यों नहीं एक महीने के लिए, तपती हुई अभी मई का पहली तारीख है, क्यों नहीं आपके घर से ऑफिस तक आपको उसी आर्मर्ड टैंक में पहुँचाया जाए, जब आप पसीने में नहा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सेना के जो काबिल जवान हैं किस परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देते हैं, तो शायद आपको एहसास होगा। लेकिन आप लोगों को घर से लेके ऑफिस तक और यहाँ से लेके परचून की दुकान तक भी एसी की कार और 10-20 बॉडीगार्ड चाहिए होते हैं, तो आप क्या समझेंगे परिस्थिति हमारे देश की आर्म फोर्सेज की, उनके जवानों की। तो उसको समझाने के लिए तो अपना चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देश की मौजूदा सरकार पर, अपने रक्षा मंत्रालय पर, कि इस मुद्दे को थोड़ा सा समझेगा
और ये MiG-21 की अगर हम बात करें तो इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी हर कोई जानता है। किस तरीके से हमारे तमाम देश के पायलट, काबिल पायलट वीरगति को प्राप्त हो गए इस मशीन की वजह से, उस पर भी खैर हालांकि धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं और नए लड़ाकू जहाज शामिल हो रहे हैं। तो हमारे देश के नेताओं क्यों नहीं हमारे ये जो एयरलाइंस है उनको छोड़ के इनको MiG-21 में बिठाया जाता, MiG सीरीज़ में इनको बैठाओ, जहाँ इनको जाना इंटरनेशनली लेके जाओ, या दो चार नेता भी नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर ही रह जाएंगे हमेशा के लिए, तो उनको एहसास होगा कि MiG-21 द फ्लाइंग कॉफिन जो है क्या चीज़ है और क्या उन जवानों का परिवार महसूस करता है जब उस दुनिया में नहीं रहते। तो हमारे देश के नेताओं को जिनको हम प्रतिनिधि बनाते हैं, तो भैया आप क्यों इसी में घूमते हो, आप तो जनप्रतिनिधि हो ना, आपको ग्राउंड पे खड़े होकर जनता की सेवा करने के लिए ग्राउंड में जनता के साथ खड़े होना चाहिए, आप क्यों इसी गाड़ियों में इसी बंगलों में घूमते हो, इकड़ इकड़ के बंगलों में, बड़े बड़े बंगलों में। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर गंभीरता से चिंता की जाए और हमारे आर्मर्ड जो रेजिमेंट है उनके टैंक्स में भी जो है एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज दी जाएँ, ताकि वो जब लड़ाई के दौरान जब धूल मिट्टी उड़ेगी, रेगिस्तान में टैंक चलेगा, जो अंधाधुंध मिट्टी उड़ के अंदर रहेगी जिससे वो सांस ले रहा है उन वेंट से, तो सोचिए वो अपनी आंखें मलता रहेगा बेचारा, या गर्मी में आंखों को पसीनों में बहाता रहेगा वो ग्लासेस लगा के, या फिर दुश्मन को देखेगा कि लड़ेगा। तो एफिशिएंसी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए इसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ देश चल रहा है, एक और तो हम जो है इंटरनेशनल पे अभी वेपन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, दूसरी ओर हमने ब्रह्मोस बना दिए, सुपरसोनिक पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक मेक इन इंडिया के चलते हमारे जो ACs हैं, हमारे जो टैंक्स हैं उनमें AC नहीं। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी गौर फरमा जाए, आर्मी को कंफर्ट नहीं एफिशिएंसी चाहिए, और एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस विषय पे, इस पॉइंट पे जो मैंने रेज किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि आगे तक ये पहुँच जाए और हमारे देश के जवानों को आज 84th जो है रेजिंग डे है आर्मर्ड का, इंडियन आर्म फोर्सेज के आर्मर्ड रेजिमेंट का, उनको भी जो है बेहतर एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी यदि आप वीडियोस को शेयर करेंगे। तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए किसी विषय के साथ, मुद्दे के साथ अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर पर। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद, टेक केयर फॉर सेल्फ।